जनपद फरुखाबाद के कोतवाली सदर क्षेत्र में एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने नामजद युवक के विरुद्ध तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपी के भाई को अपनी हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल पहले युवक ने धोखे से महिला से शादी कर ली और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। महिला के पास मौजूद पहले दो बच्चों का भी युवक धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहा है। अध्यक्ष जी, लव जिहाद का क्या है पूरा मामला? ये मामला है, एक हिंदू लड़की ज्योति बाथम नाम है जिसका, जिसके साथ 2012 में एक लवी नाम का युवक था जो मुस्लिम वर्ग से आता है, उसने अपना नाम छुपाकर और धर्म छुपाकर उससे शादी की और शादी करने के बाद अब उसे प्रताड़ित कर रहा है, छोड़ दिया है, उसके साथ दोबारा निकाह किया कायमगंज जाकर और उसे मुस्लिम शिक्षा भी दिलाई गई इस्लामिक। अब उसकी लड़की के साथ निकाह कराने के लिए जबरन प्रयास किए जा रहे हैं और उसे जान से मारने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, जो व्यक्ति है इसकी और उस लड़की की मुलाकात कहाँ हुई? तो उसकी यहाँ पे एक पैथोलॉजी में काम करते, दोनों सहकर्मी थे, आपस में काम करते साथ साथ, उसी दौरान इसके संबंध बन गए उससे और इसने हिंदू जानकर उसके साथ शादी की थी। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस इसमें अभी तक तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी, आज जब हिंदू संगठन हमारे विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच निकल के आए उसके सहयोग में, तब आज कुछ आश्वासन दिया कि 24 घंटे में इसका काम किया जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। लड़की क्या चाह रही है? लड़की इसमें ठोस कदम उठाया जाए, कार्रवाई चाह रही है, उस युवक को गिरफ्तार किया जाए, उस पर कार्रवाई हो, यही चाहती है। मिला नहीं, इसका छोटा भाई मिला था, इसका पिता मिला था। छोटे भाई जी, पुलिस लेकर आई वहाँ पे किसी? ये भी तो साथ में था। पुलिस वहाँ से किसे लेके आई? लवी को, ये भाई था, इसका पिता बनियान पहने था और लवी। अच्छा, इसने अभी आपने बताया कि दुकान रखी हुई है, आपके पैसे से क्या है? लटिया घाट में इसने दुकान रखी है और एक गोदाम भी ले रखा है। अच्छा, तो ये जो लड़कियां फंसाता है ये उसमें का हमको कुछ भी नहीं दे रहा था। ये लड़कियां ले ले खूब घूम रहा, खूब फोन से बातें कर रहा, 4 साल से इसका चक्कर चल रहा है। इसके बाद 2 लड़कियां और हैं और एक क्या नाम इसकी माँ है, वो क्या नाम कासगंज से शायद रिश्तेदारी में। अब जो 2 लड़कियां ये लेके घूम रहा वो मुसलमान है, हिंदू मुझे नहीं पता। अच्छा, ये दुकान काहे की रखे है? ये बॉम्बे बोरिंग सेंटर के नाम से इसकी दुकान है और समर अमर की मतलब दुकान है इसकी। तो इसने शुरुआत में आपके साथ जो व्यवहार किया वो हिंदू की तरीके से? हिंदू बन के किया, हाँ। टीका ही का इसने सब लगवाया, राखी बंधाता था हमारे बच्चों से, कभी बताया ही नहीं कि मोमडन है। और हिंदू संगठन सभी इनके साथ है, इस धन के साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा, इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। हमारा विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच पूरी तरह से इनका सहयोग में रहेगा। और सारा मैं क्या इनके बच्चों की परवरिश में आप लोग सहयोग करेंगे? हमारा संगठन पूरी तरह साथ है, जैसा ही जहाँ जहाँ इन्हें कमी देखेंगे वहाँ वहाँ हम लोग सहयोग करते जाएंगे इनके साथ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस होने चाहिए।